हेलो फ्रेंड्स, आज हम खीर बनाएंगे। फ्रेंड्स, चावल और दूध वाली खीर। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये चावल लिए, इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में धोकर पानी में भिगो दिया था। अब ये पानी से निकाल लिए हैं, सॉक हो गए हैं। तो ऐसे खीर बहुत टेस्टी और जल्दी बनती है। और ये चीनी ली है 1 लीटर, ये दूध, इलायची पाउडर और साबुत इलायची और ड्राई फ्रूट। अब हम फ्रेंड्स गैस ऑन करके इसमें हम पहले दूध, ये वैसे उबला हुआ ही दूध है, हम पहले फ्रेंड्स दूध को गैस पे रख देंगे। इसे थोड़ा बॉईल करेंगे। थोड़ा ढक देते, जल्दी हो जाए, वीडियो बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स ढक कर कर लेते हैं गरम, ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। ये फ्रेंड्स शुरू हो गया है गरम होना। इसे थोड़ा हम उबलने देते हैं दूध। फ्रेंड्स आपको अच्छा फैट वाला लेना चाहिए खीर बनाने के लिए, तो अच्छी खीर बनती है टेस्टी। ये फ्रेंड्स देखिए उबल रहा है। हम इसमें ये जो भिगोए थे मैंने आधा घंटा पहला चावल, तो फ्रेंड्स हम ये चावल डाल देंगे। ये देखिए उबलने लगा है हमारा दूध। ये मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं और 1 लीटर दूध है फ्रेंड्स।
ये फ्रेंड्स भिगोए हुए हैं ना, तो इसलिए ये नरम हुए हैं, तो जल्दी खीर बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। जो फ्रेंड्स देखिए उबलने लगी है, चावल और दूध उबलने लगे हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो ये बड़ी जो साबुत इलायची होती है खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए, तो आप ऐसे इसमें डाल दें खोलकर। अगर आपकी मर्जी है ऐसे आपको पीसी हुई इलायची पाउडर मिल जाता है, ये डालना चाहें तो ये डाल दें, तो इससे फ्रेंड्स खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो हम ये डाल देते हैं, इसके साथ ही ये उबल जाएगी। फ्रेंड्स थोड़ा स्लो, बीच में थोड़ा तेज कर लेंगे थोड़ा स्लो। तो अब हम इसको थोड़ा सा, अभी उबलने लगे तो हम थोड़ा सा ढक देते हैं। बीच बीच में फ्रेंड्स हम ऐसे उठाकर ढक्कन कड़छी से हिला देंगे ताकि बाहर ना निकले। अब फिर हम इसको ढक देते हैं।
फूल फूलने लगेंगे चावल, अब थोड़ा फिर ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, हमारे चावल है जो फूलने लगे हैं और गाढ़ी होने लगी है। थोड़ा और लगवाएंगे और उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे चावल है ना जो फूल रहे हैं, थोड़ा डाल के देखते हैं, नरम नरम हो गए हैं। देखिए क्योंकि हमने पहले इनको भिगो लिया ना आधा घंटा पहले, गाड़ी होने लगी है। थोड़ा और रख लेते हैं सिम पे। देखिए फ्रेंड्स, गाढ़ी हो रही है और
चावल तो हमारे पक ही गए क्योंकि पहले ही नरम थे, भिगोए हुए थे आधा घंटा पहले। हाँ अब फ्रेंड्स हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल के हम थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा हम फ्रेंड्स अब चीनी को पकने देंगे थोड़ा सा। देखिए कितनी अच्छी खीर बन रही है। मैं फ्रेंड्स इसमें कोई केसर वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं सिंपल ऐसे बस ये खुशबू के लिए हमने डाल लिया इलायची पाउडर। अब फ्रेंड्स हम बन गई है हमारी खीर, तब हम इसमें फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। तो मैंने बारीक बादाम काट के रखे हुए हैं, थोड़े से मैं रख लेती हूँ, बाद में डाल लेंगे खीर को सजाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी खीर हमारी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जब हम खीर बनाते हैं तो जेकर हम तुरंत ही चावलों को धोकर डालते हैं ना, तो वो इतनी अच्छी खीर नहीं बनती। इसलिए पहले अगर हम 10-20 मिनट या आधा घंटा पानी में भिगो के रख लें चावल, फिर खीर बनाएं तो बहुत टेस्टी और अच्छी और जल्दी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी खीर बनकर तैयार है। हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। गैस बंद कर देते हैं।
हमारे बिल्कुल फ्रेंड्स खीर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब जैसे गर्मियां हैं तो आप चाहे तो इसको ठंडी करके खा सकते हैं, फ्रिज में रख के टेस्टी लगेगी। अगर आप चाहे तो थोड़ी ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ी मैं वेट कर रही हूँ सेट सी हो जाए, अभी गैस बंद किया। तो फ्रेंड्स हमारी खीर बनकर तैयार है, अब हम सर्व करते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं जो मैंने थोड़ा बचा कर रखा हुआ है ड्राई फ्रूट। तो फ्रेंड्स हमारे दूध और चावल की खीर बनकर तैयार है। आप ऐसे बनाइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।